हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की मीनू सिंह। तो आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देख ही लिया होगा जो वेडिंग का था, जहाँ पर बरमाला वाला जो सीन चलता है वो बरमाला वाला, तो वो आपने देख ही लिया होगा पार्ट। और अब मैं फेरे वाला पार्ट लेकर आई हूँ, सेकंड पार्ट, और विदाई वाला इसी में ही है सारा। और ये देखिएगा आपको कि कैसा लगा इंडियन वेडिंग में, किस तरह से क्या होता है। ये है सुबह का टाइम जब वरमाला हो जाती है, उसके बाद जो समय होता है, जो फैमिली मेम्बर है ना वो सारे एक जगह बैठे होते हैं। जब तक फेरे नहीं होते तब तक हम वेट करते हैं, क्योंकि इस टाइम हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 बज रहे थे और सुबह का टाइम था, और आधी रात बोल लो, और 3 बजे के टाइम हम लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का, क्योंकि पंडित जी थोड़ा सा लेट आए थे। पहले आए थे वो चले गए, फिर दोबारा हमने उनको कॉल करके बुलाया, तब जाके वो आए हैं। तो बस उनका वेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो ना बाकी सारे गेस्ट चले गए हैं, सिर्फ फैमिली वाले ही बैठे हुए हैं, लड़की की साइड से और लड़के के साइड से दोनों जो मैन घर वाले हैं, बस वही लोग फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक मौज मस्ती चल रही है, जो कि आप देख ही रहे हैं। और अब फेरे शुरू होंगे, फेरे के बाद फिर विदाई होगी। तो इस तरह से मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इंडियन वेडिंग में पूरा सुबह से लेके शाम तक दूसरा दिन शुरू होता है, तब तक ये सारी रस्में चलती हैं, तो इसीलिए सारा दिन ऐसे ही निकलता है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जो बाहर रहते हैं कंट्री से, हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं, ये मेरे उन फ्रेंड लोगों के लिए है जिनको नहीं पता इंडियन वेडिंग कैसे होती है और क्या क्या होता है, ये इस तरह से वो देखेंगे। और वो कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगे तो, और इन्जॉय कीजिए। और इतनी रात हो गई थी ना कि बैठे बैठे हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक भी गए थे और नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। तो बस नींद भगाने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय पी रहे हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस बैठा ही नहीं जा रहा था ठंड की वजह से, और नींद भी इधर आ रही थी। तो हम लोग बस इधर थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगे, जिससे कि हमारी नींद उड़ जाए और हम आराम से बैठे रहें और फेरे आराम से पूरी तरह से देख लें। तो बस यही इस तरह से कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग, थोड़े से मजे कर रहे हैं। और इस तरह से आप समझ ही रहे होंगे कितनी ठंड हो रही है। तो नवंबर में बहुत ठंड होती है इंडिया में, और इस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं, ये देखें। तो फेरे होने से पहले जो एक रस्म होती है वो होती है डाला खुलाई वाला। तो डाला खुलाई हो रही है, तो ये डाला जो लेकर आते हैं लड़के की साइड से दुल्हन के लिए, ब्राइड के लिए जो डाला लेकर आते हैं, वो सब खोल के सामने सब रखते हैं इस तरह से तैयार करके। और जो भी गोल्ड हैं और जो भी ड्रेस हैं, साड़ी वगैरह जो भी ब्राइड के लिए लेके आते हैं, वो सब सामने रख दिया जाता है इस तरह से, और सबको दिखाया जाता है। तो बहुत ही अच्छे और काफ़ी जो भी इन ब्राइड को ज्वेलरी देते हैं, वो सर से पैर तक की पूरी ज्वेलरी उन्होंने दी है। तो ये सब रखी हुई है सामने, मंगलसूत्र, हथ फूल, बाजू बंद, गले के सेट और कमर बंद, गोल्ड की कमर बंद है, मतलब सारा जेवर ये लेकर आए हैं। और बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं। और कुछ ख़ानदानी चीज़ें हैं जो दादी परदादी की हैं, तो वो आने वाली पीढ़ी को चढ़ाई जाती हैं, तो इसीलिए वो सारा जेवर लेकर आए हैं अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए। और ये सारे कपड़े हैं जो भी चलते हैं इंडियन वेडिंग में, वो सब लेकर आए हैं। ये मेरे चाचा जी हैं, और यहाँ पर उनकी मिलनी, तो मिलनी होती है तो अपने रिश्तेदार जो है ना, अपने फैमिली मेम्बर लड़के वालों की मिलनी करते हैं कपड़े और पैसे दे के। से ही मिलनी खत्म होती है, मिलनी का सिस्टम खत्म होता है, उसके बाद फेरे शुरू हो जाते हैं। तो पंडित जी भी आ चुके हैं और बस अब फेरे होंगे। और इस तरह से यहाँ पर एक और रस्म होती है कि दूल्हे राजा के फूफा जी हैं, तो ये जो जिस हवन कुंड में जो है ना आग लगाते हैं, जलाते हैं अग्नि, और उसी के फेरे लेते हैं। तो उसको जलाने के लिए, जलाने से पहले इस एक शगुन होता है, और इसमें जो है ना सारे बच्चे बैठ जाते हैं, तो इसमें ये जलाने नहीं देते, ये रस्म होती है। तो हम इसको जलाने नहीं देंगे जब तक आप हमें
खुश नहीं रखोगे, मतलब खुश नहीं करोगे, या फिर मतलब जो इनकी जो भी डिमांड होती है बच्चों की डिमांड पूरी करो और आप आग जलाओ और अग्नि जला के आप फेरे दिलवाओ। तो ये सारे बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं और अग्नि नहीं जलाने दे रहे हैं। तो ये फूफा जी हैं जो हमारे विशाल की फूफा जी हैं और ये जला रहे हैं, तो बच्चे जलाने नहीं दे रहे हैं। बहुत ही मज़े आ रहे थे हम लोग ये चीज़ देखने में। तो बच्चों को खुश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फेरे कैसे होएंगे। तो बस ये चल रहा है, बहुत ही मज़ा आया, इन्जॉय किया हम लोगों ने काफ़ी। तो बस एंड में बस बच्चों को इनको खुश कर दिया और इनको जो है ना फिर अग्नि जलाई और उसके बाद फिर पंडित जी ने अपने मंत्र शुरू किए, मंत्रों के साथ में पूरी विधि विधान के साथ फेरे हुए। और इस तरह से आप भी देखिए, इन्जॉय कीजिए। तो बड़े ही ध्यान से अगर पंडित जी की सारी बातें सुनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझाया शादी का मतलब क्या है, मेन शादी क्या है, तो ये सारा इन्होंने अच्छे से समझाया है। जो नए नए जोड़े हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं कि शादी का मतलब क्या है। शादी का एक जो मेन चीज़ क्या होती है कि शादी एक मजबूत रिश्ता है, बंधन है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से और एक सच्चे मन से बोलते हैं रियलिटी से आपको निभाना है। तो वो बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं और आपको किस तरह से इसमें रॉयल्टी रखनी है। तो शादी का मतलब यही है और आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, बहुत ही अच्छे से समझा रहे थे। तो बहुत ही आनंद आया, सभी ने बहुत ही इन्जॉय किया ये सारी चीज़ें सुनते हुए देखते हुए। और इस तरह से ये इंडियन वेडिंग में बहुत ही मेन चीज़ है, सात फेरों के साथ, सात वचनों के साथ इस तरह से शादी संपूर्ण होती है। और यहाँ पर एक बड़ा जो सीन चलता है वो है कन्यादान का। तो यहाँ पर मम्मी पापा बैठे हुए हैं, कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान यानी पूरी मतलब जब तक बेटी अपने पापा के यहाँ रहती है तब तक पापा की जिम्मेदारी होती है और फिर शादी के बाद उसके हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है। तो उसके हस्बैंड की ही पूरी जिम्मेदारी होगी शादी के बाद। अगर उसके साथ कुछ भी होता है, अच्छा बुरा जो भी है, उसके खुशियों का, उसके हर चीज़ का ख्याल रखना उसके हस्बैंड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे ही फेरे ख़त्म होते हैं, फेरे ख़त्म होने के बाद फिर मांग भरी जाती है। तो यहाँ पर विशाल श्वेता की मांग भर रहे हैं सिंदूर से और मांग भरने के बाद फिर मंगलसूत्र पहनाएंगे।
इस तरह से शादी पूरी संपूर्ण होती है। तो अब ये जो है ना विशाल की वाइफ बन चुकी है मेरी सिस्टर, और इस तरह से ये शादी पूरी अच्छे से संपूर्ण हुई। और अब पूरा श्रृंगार करेंगे, 16 श्रृंगार करते हैं इसमें। तो अब पैरों पे महावर लगाएंगे, महावर और बिछिया पहनाए जाते हैं। तो जो भी एक सुहाग में चीज़ें होती हैं वो सारी पहना के और इस तरह से पूरा तैयार करते हैं दुल्हन को। तो मेरी छोटी सिस्टर है पिंकी, वो महावर लगा रही है, वही इसका 16 श्रृंगार करेगी। और इस तरह से ये पूरी सुहागन के रूप में तैयार होगी। और बस ये शादी पूरी इस तरह से होती है। और इसके बाद फिर घर ले जाएंगे, घर पे थोड़ा घर में ही थोड़ा पूजा होगी, फिर उसके बाद इसको विदा करेंगे। तो बस देखिएगा आप, जैसे ही फेरे हुए, फेरे के समय पे ही किन्नर लोग आ गए थे, और बस उनको पता चल जाती है कहीं पर भी शादी होती है, वो पहुंच जाते हैं अपना पैसे नेक लेने के लिए। और बस उन्होंने थोड़ा सा शोर मचा दिया, वीडियो में आपको आवाज़ सुनाई भी दी होगी। तो बस शादी संपूर्ण होती है, तो उसके एंड में फिर ससुर हैं जो गोद भराई करते हैं अपनी बहू की। तो बस ससुर जी ने गोद भराई की है अपनी बहू की, और इस तरह से वो आशीर्वाद ले रहे हैं अपने पापा जी के, और इस तरह से ये शादी एंड होती है। तो घर ले जाएंगे इसके बाद। तो यहाँ पर ब्राइड तो विदा हो चुकी हैं, और यहाँ पर अब हम दूसरे दिन रेस्ट करके खूब सोए हम दूसरे दिन। और यहाँ पर अब देख रहे हैं जो शादी में बहुत सारी गिफ्ट आए हुए थे, काफ़ी सारे गिफ्ट आए थे, तो किसने क्या क्या दिया है वो सब लिख रहे हैं एक रजिस्टर में, और जिससे कि पता चले किसने क्या दिया है, तो फ्यूचर में इस तरह से लिख रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, किसी ने पर्स दिया, किसी ने फ़ोटो फ्रेम दिया है, और इसकी फ्रेंड हैं उन्होंने ये फ़ोटो फ्रेम दिए हैं, और पर्स नाइटी वगैरह दिए, और किसी ने प्रेस दिया है। बस सब ने जिसको जो जो अच्छा लगता है गिफ्ट वो अपनी खुशी से देते हैं गिफ्ट। और इस तरह से काफ़ी सारे गिफ्ट मिले हैं, ये समझ लीजिए कि बस उसका बहुत सारा सामान गिफ्टों से ही इकट्ठा हो चुका है। इसमें तो नाम था नहीं है, ये भी तो है, नाइटी भी दी है, दिखाओ पर्दे दिखाओ जरा, कैसी नाइटी अनुपमा खुलना वो ही लग रहा है अनुपमा बस। अरे तो ये कौन सा वो है, तो कुछ इस तरह के गिफ्ट आए थे जो शादी में आए थे लोग, उन्होंने दिए हैं, और बहुत ही यूजफुल चीजें हैं सारी।
तो वो अच्छे से यूज़ करेगी अपना। और ये मेरी कज़न सिस्टर हैं जो बैठी हैं, चाचा जी की लड़कियाँ। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बहनों ने अपनी छोटी बहन को दी हैं कन्यादान में। किसी ने चैन दी है, किसी ने रिंग दी है, किसी ने कानों के इयररिंग्स दिए, किसी ने पायल दिए, किसी ने पेंडल दिया है गोल्ड का। तो इस तरह से सारी चीज़ें दी हैं बहनों की, तो ये भी एक यादगार रहनी चाहिए वीडियो के अंदर, इसीलिए मैंने ये डाल दिया। तो इस तरह से, और अब हम दूसरे दिन आए हैं बाहर कुछ रिसेप्शन के लिए, गिफ्ट देने के लिए हम बहनें आई हुई हैं। तो अब रिसेप्शन है दूसरे दिन, तो रिसेप्शन के लिए भी कुछ सामान देख रहे हैं हम लोग जो हम वहाँ लेके जाएंगे और गिफ्ट देंगे। तो बस अपने अपने अपनी पसंद का सामान लिया और यहाँ पर हम रिसेप्शन में गए शादी के दूसरे दिन। और इस तरह से रिसेप्शन को भी हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा।